तो इंडिया इंडमिनी टीम आ गई कोलकाता में और आज हम ट्राई करेंगे वर्ल्ड का बिगेस्ट चिकन एग रोल। तो चलिए चलते हैं, अपने लिए बिगेस्ट चिकन एग रोल लगवाते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे लेने हैं वर्ल्ड बिगेस्ट चिकन एग रोल। तो भैया क्या है, चार पेट बनाए आपने? सर वो लच्छा पराठा एक साथ करेंगे हम। चार लच्छा पराठा एक साथ करोगे? एक साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनने जा रहा है वर्ल्ड बिगेस्ट चिकन एग रोल और यहाँ पे चार लच्छे के पराठे आ गए। तो क्या साइज रहता है भैया इसका? 23-26 इंच। तो इसको अच्छे से बेल लेंगे भैया, ऑयल लगा दिए ऊपर से। ये देखिए एकदम अच्छे से बेलना पड़ता है इसको। तो ये देखना इसका साइज कितना बड़ा होने वाला है। ये लग गया ऑयल अच्छे से पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये 10 मिनट रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको 10 मिनट रख देंगे इसमें। इसको 10 मिनट अभी रख देंगे। ठीक है, अब 10 मिनट के बाद बनाएंगे, उसके बाद रेडी करेंगे। ठीक है, तो ये ऑयल आ गया और अब 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। अपना यहाँ पे स्टार्ट करवाते हैं रोल की मेकिंग। तो देख सकते हो भैया इसको अच्छे से फैला रहे हैं, कितना बड़ा साइज होने वाला है इसका देख सकते हो। तो ये रोल 23-24 इंच का होने वाला है। तो मैंने कभी इतना बड़ा रोल ट्राई नहीं किया है, तो अगर आपने किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये एक चिकन रोल जो है आपको सिर्फ कोलकाता में मिलेगा। तो साइज़ देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ हो गया ये, तो वाकई में ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो एक बंदे के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है खाना। भैया चार लोग लग जाते होंगे इसको खाने के लिए? चार लोग कम से कम, चार लोग। ठीक है, तो चार लोग मिल के खा सकते हैं इसको, तो पूरी फैमिली आके खा सकती है इसको एक साथ। तो ये तो आप फैमिली के लिए बनाते होंगे जब फैमिली आती होगी? हाँ फैमिली पैक। ये देखिए एकदम बहुत ही बड़ा हो गया ये, और ये लगने जा रहा है यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड का बिगेस्ट चिकन एग रोल। ये आ गया तवे पे, तो देख सकते हो पूरा एकदम तवे के साइज़ का आ गया ये। तो भैया कितना टाइम लग जाता है उसको बनाने में? 10 मिनट में बन जाता है। तो ये देख सकते हो अच्छे से सीख चुका एक साइड से। तो ये ऑयल आ गया यहाँ पे। तो देखो तो तेल में अच्छे से फ्राई कर रहे हैं हम ये इसको। तो देखो नीचे से काफ़ी अच्छे से ये कलर आ गया, इसमें अच्छे से पक चुका है ये। तो ये पसंद करते हैं लोग बिगेस्ट चिकन एग रोल खाना? हाँ बहुत ज़्यादा, ये बहुत फेमस भी हो गया कोलकाता में। बहुत दूर दूर से लोग भी आता है खाने में। दूर दूर से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। हम भी आ गए दिल्ली से। देखो तो कितना बड़ा रोल होने वाला है ये। तो एक साइड से भैया ने पूरा अच्छे से इसको पका लिया, दूसरी साइड से पका रहे हैं ताकि कच्चा ना रहे, कोई कमी ना रहे इसमें। ये देखिए पूरा तेल इसने अब्सॉर्ब कर लिया है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा बनने वाला है ये। तो बिल्कुल गाइस साइज देख सकते हो इसका। तो देखते हैं ये एग डाल रहे हैं यहाँ पे। तो कितने, 3 अंडे आएंगे इसमें? 3 अंडे आएंगे। ठीक है, और 3 बॉइल्ड? 1 बॉइल्ड। 1 बॉइल्ड, 1 बॉइल्ड, 4 अंडा। तो ये आ गए 3 अंडे, अब ये जाएंगे तवे पे। ये आ गए काला नमक। नमक आगे ऑयल। अंडा फेंकने का स्टाइल देखिए बहुत ही बढ़िया। तो देखते हो नीचे ये अंडा डाला था इसने और ऊपर से ये इसको चिपका रहे हैं इसके साथ। तो ये चिपक जाता है अच्छे से? अच्छे से पक गया। तो देख सकते हो इन्होंने 3 अंडे से पूरा कवर कर दिया रोल एक साइड से। ये देखिए पूरा ये जो रोल है इन्होंने 3 अंडे से कवर कर दिया। तो रोल के लिए यहाँ पे स्टफिंग तैयार हो गई है। तो भैया क्या क्या है यहाँ पे? ओके, तो ये है मिक्स्ड वेज, वो सब कुछ गाजर, वो कैबेज, फिर कैप्सिकम, आलू वगैरह, ग्रीन पीस डाल के, धनिया पत्ता डाल के ये बना हुआ है स्पेशली। ये है मटन कबाब फ्राई किया हुआ है, ये पनीर टिक्का कबाब है, ये सोया चाप है, ठीक है, ये मटन शमी कबाब है जो मटन कीमा दे करके बनाते हैं। तो आपने मैश कर दिया पूरा? जी जी जी, वो कीमा करके बना हुआ है ये, वो उसी का ये चिकन है। ठीक है, ये हो गया चिकन कबाब। ठीक है, ये मेन चीज़ डाला हुआ रहता है, ऊपर से अब हम लोग गार्निश करेंगे। ठीक है, ठीक है।
तो ये इसके अंदर की स्टफिंग, तो ये हम रोल के अंदर डालेंगे सारी चीज़ें। पहले डालेंगे मिक्स्ड वेज मिक्स्ड वेजिटेबल, ठीक है। तो ये इन्होंने लगा दिए मिक्स वेज, चिकन कबाब, चिकन सीख कबाब, चिकन सीख कबाब। तो आप एक साथ काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। मटन कबाब तो ये आ गया मटन कबाब। तो इनके रोल की ये खासियत है कि आपको एक बाइट में काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने को मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स आएंगे, काफ़ी अलग अलग चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। पनीर टिक्का, ये आ गया पनीर टिक्का। भैया प्राइस क्या रहता है इसका? 349। और पार्सल ले जाना होगा तो 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। पार्सल के 10 रुपये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा सोयाबीन चंक्स, सोयाबीन चंक्स आ गए। चिकन शामी कबाब। तो ये ऊपर से चिकन शामी कबाब आ गया, मटन शामी कबाब, तो ये आ गया मटन शामी कबाब। तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, आपको जो खाने आप खा सकते हो, और एक साथ इतने सारे फ्लेवर्स आने वाले हैं मुँह में। तो ये आ गया प्याज, ताकि थोड़ी क्रंचीनेस भी आ जाए साथ में, ठीक है। और एक बॉयल अंडा, तो देखते हो कितनी सारी चीज़ें इसमें डल रही है, पूरा ओवरलोड होने वाला है ये। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी चीज़ें डलेगी इसमें। और ये चीज़ आ गया चीज़, अरे वाह, हर चीज़ डाली है, हर चीज़, कुछ भी मिस नहीं किया इन्होंने। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि इतनी सारी चीज़ें डलेंगी इसमें। टमाटो केचप, ये आ गया टमाटो केचप, थोड़ी सी खटास देने के लिए। ग्रीन चिली सॉस, ये आ गया ग्रीन चिली सॉस। ये क्या डालने जा रहे हो? मेयोनीज, मेयोनीज, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से ऊपर से मेयोनीज डाल दी इसमें, काफ़ी ओवरलोड हो गई है ये। चाट मसाला, ये आ गया चाट मसाला इनका, ये कौन सा मसाला भैया? स्पेशल मसाला, स्पेशल मसाला, स्पेशल मसाला, ये भी स्पेशल मसाला, ये भी स्पेशल मसाला आपका। और ये आ गई मिर्च, हरी मिर्च। तो कितने सारे आइटम्स डले हैं इसमें। तो ये आ गया नींबू खटास के लिए। भैया बेरस्ता, ये आ गया फ्राइड अनियन, ये देखिए भैया के डालेंगे साइड। ये पेपर जिसमें मोड़ेगा ये भी, तो ये देखिए ये रोल रेडी होने वाला है यहाँ पे। ये अच्छे से इसको पैक कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो ये अच्छे से पैक कर दी इसको, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है इसका। शॉप की टाइमिंग क्या रहती है यहाँ? शॉप का टाइमिंग 12 बजे से 12 बजे। 12 से 12, हाँ। वीक में कितने दिन ओपन रहती है? एवरी डे ओपन, कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। और यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस इज़ बेसिकली ये गड़िया स्टेशन रोड है, गड़िया स्टेशन रोड मतलब पिन कोड आता है 700084, अपोजिट टू 45 AB बस स्टैंड। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट चिकन एग रोल यहाँ पे लग चुका है, तो जल्दी से इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कैसा है ये टेस्ट में। तो ये सिर्फ आपको कोलकाता में मिलेगा। तो ये देखो वर्ल्ड का बिगेस्ट चिकन एग रोल यहाँ पे लग चुका है, इसको मैं जल्दी से टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसा है टेस्ट में। तो जब मैंने रोल लगाया था तो इन्होंने 4 मैदे की रोटी को मिक्स करके 1 मैदे की रोटी बनाई थी, और उसी से ये रोल बनाया इन्होंने। और फिर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की फिलिंग की हुई है, काफ़ी सारे वेराइटीज़ चिकन की डाली है इन्होंने। एग डाला हुआ है, बॉयल्ड एग डाला हुआ है, इसमें चीज़ डाला हुआ है, मेयोनीज डाली हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये रोल इतना अच्छा होने वाला है, कि इतनी बड़ी क्वांटिटी बन रहा है, तो कौन एक्सपेक्ट करता है कि टेस्टी होगा। बट जो इन्होंने चीज़ें डाली इसमें, 4-5 वेराइटीज़ डाली हैं, मेरे को शामी कबाब का टेस्ट आ रहा है, चिकन का टेस्ट आ रहा है, मटन का टेस्ट आ रहा है,
एग का टेस्ट आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जो इन्होंने सॉसेज यूज़ किए काफ़ी अच्छी है, जो मसाले यूज़ किए बहुत ही अच्छे से डाले थे इन्होंने, मज़ा आ गया। तो अगर आप कोलकाता विजिट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस रोल को आप आके यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ ट्राई कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई कर सकते हो। तो मैं भी इसको जल्दी से अपनी टीम के साथ फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।